नमस्कार, मैं हूं देवांशु और फिर एक बार हम आए हैं मनोरंजन सहाय के टेरेस गार्डन में। और आज ये हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से दुर्लभ पौधे भी इनके पास हैं। वैसे पौधे जो आप पटना में ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको मिलेंगे भी नहीं और मिल सकते भी नहीं हैं, लेकिन मनोरंजन सहाय के टेरेस गार्डन में ऐसे ऐसे पौधे हैं। मनोरंजन सहाय जी, अब दिखाइए अपना टेरेस गार्डन में कौन से दुर्लभ पौधे हैं जो पटना वालों को मिलना मुश्किल है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताता हूँ। वो दुर्लभ पौधे आज से 10 वर्ष पहले तो खैर पटना और बिहार में कहीं नहीं मिलते थे, लेकिन अब कहीं कहीं कुछ लोग शौकीन लोग हैं जो बाहर से लेकर आते हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं और उसको अपने यहाँ लगाए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को हम ब्रह्म कमल कहते हैं। इस ब्रह्म कमल के हम बारे में मान्यता है कि हमारे ब्रह्मा भगवान जिस कमल पर बैठते थे, वो जो फूल होता था वो फूल इस ब्रह्म कमल से होता था। आज ये मेरा 10 वर्ष पुराना पौधा है, तो उस समय हम इसको काट कर एक्चुअली छोटा किए हुए हैं, बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। तो उस समय ये पौधा बिहार के लिए बहुत रेयर था, प्लांट पटना के लिए नहीं जल्दी मिलता था, लेकिन अब कहीं कहीं ये पौधा मिल रहा है। इसको हम ब्रह्म कमल कहते हैं। ये ब्रह्म कमल पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार फ्लावर देता है, सिर्फ एक बार फ्लावर देता है। शाम में 7-8 बजे वो फ्लावर आता है रात में, और सुबह 4 बजे फ्लावर पे मुरझा कर गिर जाता है। और इसकी इतनी खुशबू होती है कि जब आपके यहाँ फ्लावर आएगा तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू आ जाएगी, सिर्फ मेरे छत पे नहीं। तो फ्लावर आने के समय इस पौधे गमले को हम पॉट को नीचे अपने घर में ले जाते हैं, ताकि घर पूरा सुगंधित घर सुगंधित। और इसी को देखने के भी बहुत लोग आते हैं ना कि आपके यहाँ आज ब्रह्म कमल खिल रहा है, तो चलिए हम। तो लोग कैसे पता चलता है कि ब्रह्म कमल खिल रहा है? पता चल जाता है लोग को मालूम है कि हम ब्रह्म कमल रखे हुए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कब ये आपका फ्लावर आएगा, हमको बताइएगा, हम कम से कम देख तो लें कि हमारे ब्रह्मा भगवान किस कमल पर बैठते थे। देखिए ये बता रहे हैं मनोरंजन सहाय जी कि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं फूल का पौधा, ये ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल जो है वो एक सीज़न में फलने वाला फूल है, और यह ऐसे मानता है कि भगवान ब्रह्मा इसी पर बैठते हैं, इसी फूल पर बैठते हैं, ब्रह्म कमल इसे कहा जाता है। और ये जब फूलता है ना, जब इसके फल आते हैं ना फूल के, तो कहा जाता है, ये बता रहे हैं मनोरंजन सहाय जी, मैंने तो नहीं देखा लेकिन ये बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनके यहाँ ब्रह्म कमल खिला है और मोहल्ले वाले देखने के लिए आते हैं ये पौधा, ये उनके फूल। तस्वीरें देखिए, ये ब्रह्म कमल के हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शायद पटना में आप ढूंढने भी निकलेंगे तो नहीं मिलेगा, और मनोरंजन जी का पता मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्या है दुर्लभ? वैसे अब तो कहीं कहीं पटना में मिलने लगे हैं, पहले ये नहीं मिलते थे। देखिए एक ये पौधा है, इसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, या फिर इसको कभी कभी लोग अक्षय वृक्ष भी बोलते हैं इस पौधे को। देखिए ये पौधा जो है अभी शायद बिहार में नहीं मिलेगा। अच्छा, अक्षय वृक्ष। अक्षय वृक्ष या कल्प वृक्ष। अच्छा। हमारी मान्यता है ना कि जब ये हुआ था आपका समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय कुछ एक प्लांट निकला था, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और बाद में जब रामचंद्र जी और सीता गया में आई थी, तो उस समय एक आशीर्वाद दिया गया था इनके पास था कि इनके चरणों में बैठकर कोई आदमी कोई मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत पूरा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये दो वृक्ष हम इसको लाए हैं, पौधा लाए हैं। ये कह रहे हैं कि ये कल्प वृक्ष है मनोरंजन सहाय जी, कि ये समुद्र के मंथन में मिला था, ऐसी मान्यता है। और कहा जाता है कि इनके चरणों में बैठ कर जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है, ऐसा आप ऐसी मान्यता है। वो क्या है? ये दोनों एक ही पेड़ है। दोनों पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान मिले थे। अब बताइए ना, पटना में ये पौधे कहाँ मिलेंगे आपको? अगर मिलेंगे तो आप हमें ही बता दीजिएगा, हम ही कवर कर लेंगे। हाँ बोलिए। इसमें हम बताएंगे, इसका दो पौधा है जो हमारे जानकारी में है। एक पौधा गया में है जहाँ हम लोग पिंड दान करते हैं इस पे, इसलिए कि सीता जी का आशीर्वाद है, लोग अपने पूर्वज को मुक्ति के लिए इस पर पिंड दान करते हैं, ये गया में है। और दूसरा यही कल्प वृक्ष आपको संगम में है, जो अभी मिलिट्री कंटोनमेंट के अंदर आ गया है, दानापुर मिलिट्री कंटोनमेंट संगम इलाहाबाद में। अभी वहाँ पर सबको जाने नहीं दिया जाता है, किसी किसी ओकेजन पे ही उस गेट को खोला जाता है, तो पब्लिक जाके वहाँ, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, जैसे बरगद का वृक्ष होता है वैसे ये भी वृक्ष उतना ही बड़ा होता है। चलिए, तो मैं तो बहुत लकी हो गया कि मैंने कल्प वृक्ष का दर्शन कर लिया। देखिए कल्प वृक्ष स्पर्श कर लिया वो
और ये कह रहे हैं कि जो भी इनके चरणों में बैठकर दुआ मांगे या प्रार्थना करे वो पूर्ण होती है। देखिए ऐसे वृक्ष आपने देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना, तो देख लीजिए और हम आपको मनोरंजन जी का पता ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए और हम ये दुआ मांगेंगे आज, ये प्रार्थना करेंगे कल ब्रिज के चरणों में कि पटना का जो पॉल्यूशन है वो कम हो, और ये कम हमें और आपको करना है, और ये होगा ऐसे कि सब जो लोग जितनी भी जगह है वो टेरेस गार्डनिंग करें, पॉल्यूशन यकीनन एक दिन पटना का बिहार का कम होगा। कल ब्रिज की एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। मनोरंजन जी बहुत शुक्रिया, मतलब कि मैं यहाँ आके एकदम इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, शायद मैंने जीवन में पहली बार ये पौधा देखा है, ये और ब्रह्म कमल मैंने देखा नहीं था, आपने मुझे दीदार करवाया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको तो बहुत खुशी होती है कि किसी को हम इसके बारे में बताते हैं। ब्रह्म कमल अभी कहीं कहीं मिलने लगा है, इसलिए आप लोग भी उसको लेकर लगा सकते हैं, और हमने भी ट्रेनिंग लिया था तो ब्रह्म कमल को कैसे प्रोपगेट किया जाता है, कैसे ज़्यादा और कटिंग लगाई जा सकती है, तो हम उसको भी लगाना शुरू कर दिया है। और ये पर कैसे लगेगा? ये अभी कैसे बरसात में शुरू करेंगे, अभी हम जब कुछ किए नहीं है इसलिए हम इसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। सही बात है, इसलिए हमने, लेकिन उसको तो हम देख लिया, आपको दिखा सकते हैं कि देखिए हम इसको प्रोपेगेट कर लिया है, ब्रह्म कमल को प्रोपेगेट कर लिया आपने। देखिए छोटी छोटी अभी कुछ आ गई है जो हमारे लिए पूर्ण रूपेण ये पौधा हो गया है ये, और हम करीब 40-50 अभी कटिंग वहाँ लगाए हैं, आपको हम दिखाते हैं कि ब्रह्म कमल कैसे लग जाता है। ये जो है ये भी ब्रह्म कमल का बेबी प्लांट है, जिन्होंने मनोरंजन सहाय जी ने बड़े पौधे से लगाया है इसे। देखिए कहा जाता है ये कि ब्रह्मा इसी के फूल पर बैठते हैं, देखिए यहीं पर से वो कमल का ये निकलता है वो। अच्छा ये जो यहाँ पर है ये हर कॉर्नर से आपको निकलता है, और जितना अच्छा आप इसको खाद पानी दीजिएगा उतना अच्छा फ्लावर रहेगा, लेकिन फ्लावर का टाइम पीरियड 5 से 6 घंटा ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा ये पौधा। और खुशबू तो इतनी रहती है कि हर आदमी को पता चल जाता है कि आपके यहाँ ब्रह्म कमल खिला है। लेने वाले तो इसको 10-20 हज़ार में भी ले लेंगे। नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, अब तो ये अब पटना में मिलने लगा इसलिए सस्ता हो गया, पहले महंगा था। पहले महंगा था। आपके पास चंदन भी है ना? चंदन जो हो आइए आपको हम। अब मनोरंजन सहाय जी चंदन का पेड़ दिखाने जा रहे हैं, हैं इनके पास बहुत कुछ है। गूगल का नाम सुना होगा, पूजा पाठ में घर की महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, हवन में जलाने के काम में आता है, वो गूगल का पौधा भी है। ये लाल चंदन है। लाल चंदन, देखिए ये लाल चंदन है, चंदन चंदन जो हम अपने और देखिए इसी में आपको पता चलेगा ये सभी टिप्स को हम काटे हुए हैं। हाँ टिप्स कटा हुआ है, मतलब ये पौधे को हम लंबा नहीं होने दे रहे हैं, इसको भी हम बोनसाई ही बनाएंगे, इस पौधे को बॉन्साई बनाएंगे। गूगल भी देखेंगे आप उसको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गूगल ये चंदन हो गया। हाँ ये हाँ देखिए दर्शकों को फिर से बता दें कि ये चंदन का पौधा है, जो लेप हम अपने माथे पे लगाते हैं, और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, वही चंदन, अंग्रेजी में बोले तो सैंडलवुड। हाँ और अब मनोरंजन सहाय जो है गूगल का पौधा हमें दिखाने जा रहे हैं, बचपन से ही गूगल, हाँ बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे कि मम्मी कहती थी कि जाओ गूगल लेके आओ, कपूर लेके आ जाओ, और यही गूगल का पौधा आज हम देख रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है। ये वाला है ना? ये वाली है ये। देखिए ये जो पौधा देख रहे हैं वो गूगल का पौधा है, अभी छोटा है। हाँ अभी छोटा है, और कैसे ये जब सूख जाता है तब इस्तेमाल? ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अभी इसको भी हम बोनसाई बना देंगे तो जितना स्टेम उसे छाल निकलता है, जिसको पेड़ का छाल हम बोलते हैं, वो छाल हम यूज़ करते हैं गूगल, उसको हम धुआं करते हैं, तो इसका छाल जो निकलता है वो हमारे पूजा पाठ में आता है। देखिए इस पौधे का जो छाल निकलता है वही हमारे पूजा के इस्तेमाल में आता है, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं गूगल को क्यों मतलब इतनी मान्यता दी गई है कि उसका इस्तेमाल, इसके छाल का इस्तेमाल? वैसे तो कई पेड़ पौधे के छाल होते हैं लेकिन गूगल ही क्यों? देखिए हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं ना, बीच में हम लोग मानना छोड़ दिया था, अब फिर लौट कर उसी तरफ आ रहे हैं। आपको पता है कि एक बार गूगल घर में चला आप जला दीजिए तो जितनी तरह के बैक्टीरिया और वायरस है सब मर जाते हैं, आपको कभी भी अस्थमा नहीं होगा, कभी मन इस तरह से जितनी भी बीमारी है वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड वो नहीं होगी अगर आप घर में हर दिन शाम में गूगल जलाते हैं। आज भी देखिए अब घर में कपूर जलाने का रिवाज शुरू हो गया है, गूगल जलाने का रिवाज शुरू हो गया है, तो ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू में हम तो गूगल लगाए ही हैं, हम अश्वगंधा भी लगाए हैं। हाँ अश्वगंधा भी दिखा दीजिए, ये मेडिसिनल प्लांट ये भी रहता है, गूगल पूजा पाठ में जो हम लोग काम में लाते हैं वो भी है, ये अश्वगंधा का पौधा है।
अश्वगंधा बाबा रामदेव बताते रहते हैं। ये अश्वगंधा का पौधा जिसका चूर्ण जो है मार्केट में, चूर्ण कहाँ से निकलता है? इसका फ्लावर आ गया, इसका फ्लावर आ गया, अब इसमें फ्रूट भी, ये बीज भी आ गया। देखिए ये ये बीज लाल हो जाता है, एकदम पूरा रेड ब्लड रेड हो जाता है ये बीज। और ये बीज जब निकल जाएगा तो उसके बाद इस जड़ को काट के रखते हैं। लोग कहते हैं कि जड़ में आप काटिएगा जड़ को, तो इसमें वो गणेश भगवान की आकृति बनी होती है इसमें। अच्छा। और ये हर तरह से फायदेमंद होता है। देखिए हमने आपको दुर्लभ पौधे दिखाए टेरेस गार्डनिंग के जरिए, किस तरीके से मनोरंजन सहाय जी हैं जो टेरेस गार्डनिंग अपने छत पर करते हैं, और कई वीडियो बन सकते हैं। कितना हम आपको समय समय पर इनके यहाँ आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो सेगमेंट बचा ही रह गया फ्लावर वाले सेगमेंट, इनके पास कई फ्लावर्स भी हैं। और आपको बता दें कि सब्जियाँ कई उपजाते हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।